ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज जिला कार्य समिति बैठक, महिला मोर्चा द्वारा महिला कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप में पहुंची श्रीमती नीलिमा कटियार जी। आइए सुने उन्होंने क्या कहा। मंत्री जी, आज कोरोना योद्धाओं का सम्मान हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। विश्व के सबसे जो शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में जिनका नाम आज है, देश के प्रधानमंत्री सम्मानी नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन 17 सितंबर को होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पूरे देश के अंदर सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाने का एक निश्चय किया था। उसी क्रम में जो हमारी जो मातृशक्ति कोविड वॉरियर हैं, जिन्होंने अपना, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के रूप में हो, चाहे स्वच्छता कर्मी के रूप में हो, चाहे पुलिसकर्मी के रूप में हो, अनेक अनेक क्षेत्रों के, इस विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी के समय भारत में विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान अपना दिया है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रत्येक जनपद के अंदर 71वां जन्मदिन सम्मानी नरेंद्र मोदी जी का है, तो उसी क्रम में 71 कोविड फ्रंट लाइनर्स जो महिलाएं हैं, उनको सम्मानित करने का और उनके सम्मान के माध्यम से सेवा और समर्पण का महत्व समाज के अंदर कैसे बढ़ेगा, इस ओर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे का ये प्रयास। और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इसी प्रकार के अभिनंदन के कार्यक्रम, और उसी क्रम में कानपुर उत्तर जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा संगठन है, उस इकाई के द्वारा यहाँ पर उन 71 कोविड फ्रंटलाइनर्स महिलाओं का अभिनंदन किया गया, और कानपुर उत्तर की महिला मोर्चे की इकाई का यहाँ पर कार्य समिति की भी बैठक उससे पहले हुई है, और उसी क्रम में आज मेरा यहाँ आना हुआ। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।